हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। दिस इज पार्ट 4, पेज नंबर 55, चैप्टर 2, पॉइंट 2, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपन क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, उसका सेकंड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो एन एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट जो है एक एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट फूड है। जो कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बन किससे बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट एक्ट लाइक अ फ्यूल इन आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है अपना एक ईंधन की तरह काम करता है अपनी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वी ऑल्सो नीड कार्बोहाइड्रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैट। किसके लिए जरूरी होता है, फैट्स के लिए। फैट्स पीपल हु इंक्लूड, जो इंक्लूड इन हार्ड वर्किंग, जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गए और गेम्स हो गए, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाले पर्सन हो गए, उनको बहुत जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट। नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाउएवर इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेकन इन फूड बाय एन इंडिविजुअल, इफ इट ऑलवेज चेंज इन टू अ फैट्स एंड आफ्टर दैट इट्स एक्यूमुलेटेड इन फैटी टिश्यूज। लेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी रिड्यूस द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल, द स्किन बिकम लूजेस एंड रिंकल स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द फेस। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्किन लटकने लग जाती है, रिंकल्स आने लग जाते हैं फेस पे। अ पर्सन बिकम लीन एंड थिन, और जो पर्सन होता है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है और सूख जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ इंडिविजुअल टेक द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दिस फूड इन हिज फूड इज बॉडी वेट स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में लेते हैं तो बॉडी का वेट है जो इंक्रीज होता है। ही एक्सपीरियंस हाईली बॉडी टेम्परेचर इन सच अ कंडीशन इन इंडिविजुअल बिकम लेथरिक, और लेथरिक टाइप की कंडीशन होती है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, दाल, ग्राम, ड्राई पी, डेट्स, ग्रेप्स, पोटैटो, बनाना, गुड़ एंड शुगर। थर्ड है फैट। फैट इज एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड। फैट जो एक एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट फूड इज। फैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किससे बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। फैट प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी। फैट जो है अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और अपनी बॉडी टेम्परेचर के लिए भी जरूरी है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द बॉडी सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट। ये किस लिए जरूरी होता है, जो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, स्मूथ रखता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट से। फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी फैट इज कंसिडर्ड बेटर देन कार्बोहाइड्रेट। इफ फैट इज यूज्ड विथ कार्बोहाइड्रेट इन फूड, फैट कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली एज वेल एज रैपिडली। जो फैट है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट इन फूड। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फैट को, जो ईजिली डाइजेस्ट। इफ एक्सेस फैट इज नॉट यूज बाय द बॉडी, इट सर्कुलेटेड ऑफ द बॉडी ड्यू टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डू नॉट अफेक्ट। अगर हम सही मात्रा में उसका यूज़ नहीं करते तो वो फैट का जमा हो जाता है। फैट इज अवेलेबल इन लेस क्वान्टिटी इन द फूड कार्बोहाइड्रेट टू एक्सटेंड। सोर्सेज ऑफ फैट, एनिमल सोर्सेज एनिमल आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स सच एज घी, बटर, चीज, कर्ड, फिश ऑयल, मिल्क, मीट एंड एग्स। ये हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, एनिमल्स। एंड वेजिटेबल सोर्सेज क्या है, वी ऑल्सो गेट फैट्स फ्रॉम वेरियस वेजिटेबल्स सच एज अनप्रोसेस्ड स्टार्ची वेजिटेबल एज सच स्वीट पोटैटो, होल कॉर्न, ड्राई फ्रूट, कोकोनट, सोयाबीन, फूड ग्रेन, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें वेजिटेबल सोर्सेज से मिलती है। विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ फूड, लाइक जस्ट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। विटामिन्स जो है कैसे होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। विटामिन्स आर विटल फॉर हेल्थी लाइफ। विटामिन्स जो है हमारी हेल्थी लाइफ के लिए ज़रूरी है। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। विटामिन्स जो हमें काफ़ी डिजीजेस से बचाता है। इनफैक्ट विटामिन इंक्रीज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को, बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करता है और डिजीज के अगेंस्ट लड़ता है। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन जनरली डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, और वो अपनी बॉडी का विकास करता है।
If our diet lacks in various vitamins, we may suffer from different deficiency diseases. Although we need these vitamins in less quantity, they are essential for leading a healthy life. और ये हमें deficiency disease से बचाता है और हमें इसकी ज़रूरत होती है किसके लिए, हेल्थी लाइफ के लिए. टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. वाटर सॉल्युबल में विटामिन कौन से आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी. नेक्स्ट पेज 56, फैट सॉल्युबल वाटर विटामिन. दीज डिटेल्स ऑफ विटामिन आर गिवन बिलो. विटामिन डी डॉक्टर मैकुलम डिस्कवर्ड विटामिन ए. डॉक्टर मैकुलम ने इसकी इसको डिस्कवर्ड किया था, इसको खोजा था. दिस विटामिन इज येल्लो इन कलर. इसका कलर जो होता है येल्लो, यूजुअली द विटामिन इज नॉट डिस्ट्रॉयड एट नॉर्मल टेम्परेचर बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ये नॉर्मल टेम्परेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता बट ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये डिस्ट्रॉयड हो सकता है. द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय दिस विटामिन. जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है इट विटामिन. इट मे बी डिस्ट्रॉयड एट नॉर्मल टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा तो इसको डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड न्यूमरस डिजीजेस कैन अटैक अ पर्सन. नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सी बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, एक्सोथेमेलिया आर मेन डिजीजेस डेट आर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. इसकी कमी से ये वाली बीमारियाँ हो जाती है. नाइट ब्लाइंडनेस दिखना बंद हो जाता है. विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ नेचर. विटामिन ए नेचुरल नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए स्किन में बिकम ड्राई हो जाती है स्किन. दे मे बी रिंकल ऑन द स्किन, रिंकल पड़ जाते हैं स्किन पर. टीथ लूज देयर ब्राइटनेस एंड यूजुअली बिकम येल्लो. दांत गिर जाते हैं, ब्राइटनेस कम हो जाती है यूजुअली बिकम और दांत पीले हो जाते हैं. दिस विटामिन ऑल्सो हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन किडनी नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव. और इसके जो इफेक्ट किस पे पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे पड़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी पड़ता है. समटाइम्स देयर कैन बी किडनी स्टोन, कभी कभार इसमें स्टोन भी हो जाता है. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए पॉइजनस सब्सटेंस डेवलप इन स्पाइनल कॉर्ड. दिस विटामिन ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस. किस में पाया जाता है विटामिन ए, इज मेनली फाउंड इन घी, मिल्क, कर्ड, एग योक, फिश, टोमेटो, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज, स्पिनच, कैरेट, पम्पकिन, इटीसी. विटामिन डी, दिस विटामिन इज वाइट एंड ऑडरलेस. विटामिन डी इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड टीथ एंड हेल्थी बोन्स. विटामिन डी, जो डी का कलर होता है वो वाइट कलर का होता है और ऑडरलेस होता है. किस चीज़ के लिए काम आता है, बोन्स और टीथ के लिए. इट्स एनेबल द बॉडी एक्यूमुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ. डेफिशिएंसी द विटामिन कॉजेज रिकेट्स. इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स. इट्स इल शेप टीथ एंड सॉफ्टनेस ऑफ बोन इन द इनटेक ऑफ विटामिन शुड बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू क्योर बोन्स एंड टीथ डिजीजेज. विटामिन डी कौन से मिलता है, एग योक से, फिश, सनलाइट, वेजिटेबल, कॉड लीवर ऑयल, मिल्क, क्रीम, बटर, टमाटो, कैरेट, ईटीसी एक्सेट्रा. विटामिन ई इज एन इम्पॉर्टेंट विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मैनी ऑर्गन इन आवर बॉडी. विटामिन ई से बहुत सारे ऑर्गन काम में आते के लिए ग्रोथ बढ़ाता है, काफ़ी ऑर्गन की ग्रोथ बढ़ाता है, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है. जनरली द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज रेयर बट इट कैन ऑक्योर इन पीपल विद सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इन वेरी लो वेट प्री मेच्योर इन्फेंट. इट डेफिशिएंसी मे कॉज एनीमिया. इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया और लो रेड ब्लड काउंट विच मे अफेक्ट आवर बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स दैट प्रोमोट द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इज ऑल्सो एंटी ऑक्सीडेंट. इट मीन्स हेल्प टू स्लो डाउन द प्रोसेस दैट एमएसएल. इट डेफिशिएंसी मे कॉज नर्व एंड मसल्स डैमेज दैट रिजल्ट इज लूजिंग लॉस इन फीलिंग आर्म्स एंड लॉग. इसकी कमी से काफ़ी चीज़ें नुकसान होता है, जैसे कि डैमेज सेल हो जाते हैं, मसल डैमेज हो जाती है, हाथ फीलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स, बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, मसल वीकनेस, विजन प्रॉब्लम, ये सब
विटामिन ई की कमी से हो जाती है। इसमें कस में पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल किडनी, लीवर, हार्ट, कॉटन सीड, स्प्राउट, कोकोनट ऑयल, योग, ड्राई एंड फ्रेश फूड, मिल्क, मीट, बटर एंड मेज आर रिच सोर्सेज विटामिन ई। ये इसके सोर्सेज है। विटामिन के इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कॉगुलेशन विच इज मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना। दिस विटामिन इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये विटामिन किसमें हेल्पफुल होता है, जो रक्त का थक्का जम जाता है उसके लिए। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन ब्लड डज नॉट क्लॉट इजिली, जनरली ब्लड कंटिन्यूज टू फ्लो फॉर लॉन्गर टाइम एंड इवन एन इंजरी। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस विटामिन इज मोर फॉर प्रेगनेंट लेडीज, किसके लिए जरूरी होता है ये, प्रेगनेंट लेडीज के लिए। इट डेफिशिएंसी आल्सो कॉजेज एनीमिया, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। द सोर्सेज ऑफ विटामिन किसमें पाया जाता है, कॉलीफ्लावर, स्पिनेच, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल, व्हीट, एग, मीट, ईटीसी। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट में।